अरकान अब्दुल वाई अरकान साइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड इस्लामिक एमसीक्यूज हैं। दो वीडियोज इनसे पहले अपलोड हो चुकी हैं, 50-50 एमसीक्यूज की। पहली वीडियो 150 है, सेकेंड वीडियो 51-200 है। अभी 101 से 150 तक जाएगी इंशाल्लाह। हमारा टारगेट ये है कि 500 एमसीक्यूज तक की वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें और पेपर्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट इज हजरत डैश डाइड फर्स्ट अमंग दी सहाबा। सहाबा में सबसे पहले हजरत डैश फोत हुए, हजरत असद रसल्ला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड इज डैश वॉज द की होल्डर ऑफ काबा। खाना काबा की चाबी वाले कौन थे? हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हजरत उमर फारूक वॉज मार्टर्ड ऑन डैश 24 AH। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत 24 हिजरी को हुई। 24 हिजरी में जो हुई वो किस मुहर्रम को हुई, वो ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट मुहर्रम को हुई, सेकंड मुहर्रम को हुई, तो फर्स्ट मुहर्रम को हुई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हजरत डैश एडिड एज सलातो खैरुम मिनन नौम इन अजान। हजरत डैश ने अजान में सलातो खैरुम मिनन नौम का इजाफा किया। अब किन साहबा ने इजाफा किया था? ये ऑप्शन डी इसके रहता, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे खलीफा खुलफा है हमारे। नेक्स्ट इज ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट इज। सहाबी उन्हीं को कहते हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ हो। तो इसमें पूछ रहा है कि वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं, लेकिन उनके पास सहाबी होने का लकब है, अवैस करने रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज दी ओनली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द टाइटल ऑफ डैश टू हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत हजरत कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु को डैश का लकब दिया था। कौन सा लकब दिया था? ऑप्शन ए इज राइट, खैरो खैरु ताबेन। नेक्स्ट इज हजरत डैश लिव लिव ज़कात ऑन हॉर्सेज। डैश हजरत डैश घोड़ों पर ज़कात दायद करते थे। हजरत उमर ज़रा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हजरत डैश लिफ्टेड ज़कात ऑन हॉर्सेज। हजरत डैश ने घोड़ों पर ज़कात ख़त्म कर दी। हजरत उमर ने लगाई थी और हजरत अली साहब ने ख़त्म कर दी। रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़ों में पैसों के आते हैं, दर्द से पता, तो घोड़ों के ऊपर भी जकात लगाई थी उन्होंने। हजरत डैश हैड नॉलेज ऑफ ड्रीम्स। हजरत डैश को ख्वाब का इल्म था। किन को इल्म था? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु वॉज द मर्चेंट ऑफ। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु किसके ताजर थे? क्लॉथ के, कपड़े के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हजरत डैश एडिट सेकेंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स। किन हजरत ने जुम्मे की नमाज के लिए दूसरी अजान का इजाफा किया? ठीक है, ये आप के दौर में दूसरी अजान नहीं होती थी, अब होती है। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये इजाफा किया था। अतीक इज द टाइटल ऑफ। अतीक किसका लकब है? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अफजल बशर इज द टाइटल ऑफ डैश। अफजल बशर डैश का लकब है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु में, यानी कि अफजल बशर, बशर में अफजल मतलब इंसानों में अफजल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु लेड द प्रेयर ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ द प्रॉफिट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में नमाज किसने पढ़ाई? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब उन्हीं को खड़ा किया था वहां पर, उन्होंने पढ़ाई थी। तो यही यहीं से देखने का है मतलब। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है पहले खलीफा भी हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे।
एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन मैन, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हजरत डैश एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, हजरत डैश ने महकमा पुलिस कायम किया, किन साहबी ने कायम किया? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गनी वॉज टाइटल ऑफ हजरत डैश रज़ियल्लाहु अन्हु, गनी किस साहबी का टाइटल है? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट वॉज द कुनियत ऑफ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये काफ़ी रिपीट होता है सवाल ना, कुनियत पूछी जाती है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कि वो किस कुनियत के थे, उनकी कुनियत क्या थी? अबू उमरो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज जुनू रैन इज द टाइटल ऑफ, जुनू रैन इज किसका लकब है? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हजरत डैश हैज ए टाइटल द गेटवे टू नॉलेज, किन साहबी का लकब है, इल्म का दरवाजा है लकब? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एडिटिंग में मसला थोड़ा सा, उसको इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट इज फॉर 18 ईयर्स हजरत डैश सफर्ड फ्रॉम स्किन डिजीज, 18 साल तक हजरत डैश जिल्द की बीमारी में मुबतला रहे, कौन सा हजरत मुबतला रहे? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हजरत डैश इज नोन एज द फर्स्ट दरवेश, हजरत डैश पहले दरवेश के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज अबू जर गफारी। तो गाइस डी आपको ऑप्शन में शायद नज़र नहीं आ रहा, मुझे एडिटिंग में प्रॉब्लम है, इग्नोर करिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको अबू जर गफारी नाम है। नेक्स्ट इज फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इन डैश पीरियड, इस्लामी दुनिया की पहली मर्दमशुमारी डैश की मुद्दत में हुई, इनके पीरियड में हुई? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज बरीड एट, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ मदफून है? बगदाद में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सूरह मीन सिटी ऑफ, सूरह का मतलब है डैश का शहर, किसका शहर? रिफ्यूजी, रिफ्यूज का शहर, सूर्य का मतलब है। डैश वर्सेस वर रिवेल्ड इन फर्स्ट वही, डैश आयात पहली वही में नाजिल हुई, कितनी आयात नाजिल हुई थी पहली वही में? 5 आयात नाजिल हुई थी पहली वही में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डैश वॉज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान, किन्होंने कुरान मजीद के, कौन कुरान मजीद के पहले हाफिज हैं? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन सी इज करेक्ट। माशाल्लाह से। नेक्स्ट इज हजरत डैश प्रपोज द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान, किन्होंने कुरान मजीद की तालीफ की तजवीज़ पेश की, मतलब कंपाइलेशन का मतलब इकट्ठा करने की। पहले तो कुरान पाक डिफरेंट जगहों पर चीज़ों पे लिखा हुआ था ना, उस टाइम पेजेस वगैरह तो नहीं थे, तो इकट्ठा नहीं था, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तजवीज़ पेश की थी कि इनको इकट्ठा कर दिया जाए कुरान पाक को, ताकि हम, वो लोग तो हाफिज थे माशाल्लाह से, उनको तो याद था और अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी मेमोरी से नवाजा था उन लोगों को कि सुनते गए और उनको वो साथ हिफ्ज भी होता गया उन्हें माशाल्लाह से। दूसरी बात लगन भी बहुत थी, पढ़ते भी बहुत थे कुरान मजीद, और तो वो तो हाफिज थे, लेकिन उन्होंने बात का सोचा कि हम जब चले जाएंगे तो बात वाले कहाँ से पढ़ेंगे, तो शायद इसलिए उन्होंने इसकी की कि कंपाइलेशन हो जाएगी, एक जगह आ जाएगा कुरान, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके ऊपर भी उन्होंने ये सोचा कि कहीं हम ये करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया, तो कहीं ये काम मतलब हम इजाफा ना कर दें, कुछ गलत ना हो जाए हमारे हाथों से, कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, ये कितना अच्छा काम है, लेकिन फिर भी वो अब कुछ काम अपनी तरफ से ना हो जाए, इससे भी वो थोड़ा सोचा है इसके ऊपर। और आज हम कितनी चीज़ें अपनी तरफ से बनाए बैठे हैं जिनका दूर दूर तक मज़हब से कोई ताल्लुक भी नहीं हमारा से,
अल्लाह माफ करे, बस अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे। नेक्स्ट इज सिटी ऑफ डैश इज मेंशन्ड इन होली कुरान। डैश शहर का जिक्र कुरान पाक में आया है। किस शहर का जिक्र आया है? ऑप्शन सी रोम। अक्सर रिपीट होता है एमसीक्यू। नेक्स्ट इज विच आयत ऑफ द होली कुरान इज कॉल्ड सरदारुल आयत। कुरान पाक की कौन सा आयत को सरदारुल आयत कहते हैं? आयतुल कुर्सी को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सूरह डैश इज नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान। ये बहुत एमसीक्यू रिपीट होता है। किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन एरेनोज में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सूरह डैश इज नोन एज ब्यूटी ऑफ कुरान। सूरह डैश को कुरान का हुसन कहा जाता है। किस सूरत को कहा जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सूरह रहमान को। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज कुरान पाक का मजमून क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन, इंसान, इंसानियत। ठीक है। हजरत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन। हजरत डैश ने औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सो आप की बीवी भी थी। हजरत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन मैन। किन हजरत ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया था। रिपीट हो गया, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज हजरत डैश वॉज द फॉस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट। कौन हजरत मुहम्मद की रजाई वालदा थी? हजरत हलीमा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रॉफिट वाज बोर्न इन डैश ईयर ऑफ एलिफेंट। नबी सल्लम आम अल फैल डैश में पैदा हुए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट आम अल फैल में। नेक्स्ट इज आफ्टर डैश मंथ एट मदीना द चेंज ऑफ किबला अकर्ड। मदीना में डैश महीने के बाद किबले की तब्दीली वाकई हुई। कौन से महीने के बाद हुई थी वो ये पूछ रहे हैं, 18 महीने के बाद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बैतुल रिजवान टुक प्लेस इन डैश हिजरा। बैतुल रिजवान डैश हिजरी में हुई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 हिजरी में। डैश गजवाज, डैश गजवाज आर डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान। गजवा कुरान पाक में बयान हुई, कौन सी गजवा बयान हुई है? 12 गजवा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट आर मेंशन्ड इन होली कुरान। कुरान पाक में अंबिया का जिक्र आया है। कितने अंबिया का जिक्र आया है? 26। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन होली कुरान डैश सूरह स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफिट। कुरान पाक में डैश सूरह अंबिया के नाम से शुरू होती है। 6 सूरत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज देर आर डैश स्टेजेस इन होली कुरान। कुरान पाक में डैश मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और साथ ही कॉन्टिनेंट है तो यहाँ से भी याद रख सकते हो कि 7 बिराजम है दुनिया में। लॉज अबाउट जिना रिवेल्ड इन डैश। जिना के मुतालिक कवानीन डैश हिजरी में नाजिल हुए, 5 हिजरी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लॉज अबाउट ऑर्फनेज रिवेल्ड इन डैश हिजरी। यतीम खाने में के बारे में कवानीन का इंकशाफ डैश हिजरी में हुआ। कौन सी हिजरी में हुआ? 3rd हिजरी में, तीसरी हिजरी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज लॉज अबाउट इनहेरिटेंस रिवेल्ड इन डैश एच। वारिस से मुतालिक कवानीन डैश हिजरी में नाजिल हुए, तीसरी हिजरी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ हिजाब फॉर वुमेन रिवेल्ड इन डैश हिजरी। औरतों के लिए हिजाब का हुक्म डैश हिजरी में नाजिल हुआ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4th हिजरी में।
नेक्स्ट इज इंटरेस्ट वॉज प्रोहिबिटेड इन डैश हिजरी, सूद डैश हिजरी में ममनू हुआ था यानी मना हुआ था, किस हिजरी में? 8th हिजरी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज पैराडाइज इज मेंशन्ड इन कुरान फॉर डैश टाइम, कुरान पाक में जन्नत का जिक्र डैश बार आया है, कितनी बार आया है? 150 बार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अल्लाह पाक वाले भी आसानी करे। नेशन ऑफ नू अलैहिस्सलाम वर्शिप डैश आइडल्स, नू अलैहिस्सलाम की कौम डैश बुतों की पूजा करती थी, कितने बुतों की पूजा करती थी? 5 बुतों की, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो गाइज आज हमारे पास माशाल्लाह से 150 MCQs हो गए हैं, पिछले जो 100 MCQs के जो लिंक्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इंशाल्लाह, और हमारा टारगेट 500 MCQs तक का है, तो 50x50 करके आपको इंशाल्लाह वीडियोस मिलती रहेंगी। कोई गलती हुई हो, कोई भी आपको लगे ऑप्शन गलत है, उसको सर्च करें, ठीक है? सर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद आप कमेंट कर दिया करें कि ये ठीक आंसर है उसका, ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया हो सके, वो जब जाके देखेंगे कमेंट में तो उनकी भी करेक्शन हो जाएगी। हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है, ठीक है? तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह नेकबान।